हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़ पढ़ने में या इंग्लिश चैट को पढ़ने में या इंग्लिश चैट का रिप्लाई करने में किसी प्रकार का समस्या प्रॉब्लम आता है, आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश वर्ड्स को या और अन्य जो लैंग्वेजेस है उसको अगर आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसको अब आप लोग आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक से आप लोग अपने लैंग्वेज अपने हिंदी मातृभाषा में समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आप लोगों को उस एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है और कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को आज के दिन इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा और आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगा। आइलैंडटेक चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए और लेटेस्ट वीडियो आए हमारे इस आइलैंड टेक चैनल पर तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करो और अपने सवाल पूछो धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इसका नाम है हाई ट्रांसलेट और आप लोगों को मैं पहले इसका यूज़ बता देता हूँ, कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे इसका सेटिंग करना है, वो सब पहले जान लीजिए, उसके बाद इसको डाउनलोड कीजिए। हाई ट्रांसलेट इस एप्लीकेशन का नाम है। तो सबसे पहले इसको जब आप लोग डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, और इसका लिंक भी मैं बताऊंगा कि कहां पर है इसको आप लोग आसानी से डाउनलोड करने के लिए। तो जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा इसमें, और आप लोगों के जो भी दोस्त जिससे भी आप लोग चैट करते हैं फॉरेन में या कहीं पर भी है, जो भी लैंग्वेज उन लोगों का है उसको आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक करना है और कुछ भी मत कीजिए। तो जैसा कि समझ लीजिए मेरा लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं यहाँ पे हिंदी सर्च करूँगा या आप लोग डायरेक्ट लिख करके सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया हूँ और समझ लीजिए मेरा जो फ्रेंड है वो कहीं और पे है, आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि भारत के बाहर है, अमेरिका में, ऐसा समझिए। तो हिंदी इंग्लिश कर दिया, यानी कि हिंदी मेरा लैंग्वेज है, इंग्लिश उसका लैंग्वेज है, फिर भी मैं उससे बात करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो डन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे तो सेटिंग ऑन हो चुका है, इसको आप लोगों को सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा ऑन के बटन पे क्लिक करके। आप लोगों को यहाँ पे परमिशन देना होगा, तो सेट परमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को हाई ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे और ओके कर देंगे, यानी कि ऑन कर देंगे। यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है ताकि ये ऑन कर सको, तो ये ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे फिर से देख रहे तो ये ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये एक टी बना हुआ दिखेगा, ठीक है, इस एप्लीकेशन का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी इस एप्लीकेशन का पूरा सेटिंग कर लिया है तो चलिए अब मैं आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे कोई भी आप लोग इंग्लिश न्यूज़ ओपन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र का ही एक न्यूज़ ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये पूरा इंग्लिश में है। अब इसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी में कैसे पढ़े, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा एरो बना हुआ दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। या आप लोग देखेंगे तो क्लिक करने के बाद बैक करिए फिर से एक बार, तो फिर आप लोगों के सामने एक बड़ा सा टी आ जाएगा, इसको आप लोग एक बार घुमाइए और एक बार कहीं पर भी पकड़ के रखे रहिए बस। उसके बाद देख रहे हैं तो ये जो जितना भी था एक पैराग्राफ वो पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट होके आ चुका है। उसी तरह से और भी जो दूसरे पैराग्राफ है उसको भी सेम आप लोग इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसको पकड़ के रखिए, ये जो ग्लास है इसको पकड़ के रखिए एक जगह पे, एक सेकंड पकड़ के रखे रहिए और छोड़ दीजिए। फिर देख रहेंगे तो फिर से वो एक पैराग्राफ शॉर्ट में हम लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से हिंदी में अब हमारे सामने आ चुका है। चलिए मैं किसी के चैट को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को इंग्लिश में चैट है तो हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहेंगे तो फिर से यहाँ पे हमारे सामने ये वाला आइकन है और यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप ओपन है। उसके बाद यहाँ पे देख रहेंगे तो क्या करना है, इसको आप लोगों को एक बार बाहर निकालना है। यहाँ पे देख रहेंगे तो जैसे कि लिखा हुआ है हाउ आर यू, इसके ऊपर हम लोग ले करके जाएंगे और छोड़ देंगे। देख रहेंगे तो वहाँ पर हिंदी में आ गया, क्या हाल है। उसके बाद जो मैंने बोला है फाइन, तो फाइन के ऊपर ले जा करके छोड़ देंगे, तो देखिए लिख करके आ रहा है ठीक। उसी के बाद यू लिखा है तो यू के ऊपर ले जा कर करेंगे तो आप। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, तो देखो तो यहाँ पे आ गया तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसा हम लोगों के सामने आ गया हिंदी में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग कैसे
किसी भी चैट को हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हो, यानी कि इंग्लिश में है तो कैसे हिंदी में पढ़ सकते हो। और इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए, किसी भी लैंग्वेज रहेगा तो आप लोग उसको आसानी से अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आसानी से पढ़ सकते हो, न्यूज़ हो, चैट हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कमेंट में कुछ भी सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।